अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। दोस्तों, मैं हूं आपका भाई अदील फ़याज़ी, मुफ्ती आज़म हालैंड हज़रत अल्लामा मुफ्ती शफ़ीक़ुर रहमान साहिब क़िबला अज़ीज़ी। उनका एक बयान आया है, अभी इंशाअल्लाह पूरी वीडियो पूरे पर्दे पर मैं आपके सामने रखूंगा, आप अपने माथे की निगाहों से उसको देखेंगे। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको क़ुरान अज़ीम से, अल्लाह की मुक़दस किताब क़ुरान अज़ीम से ज़रा सी भी मोहब्बत है, तो आप इस वीडियो को व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, हर जगह इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब से स्वीडन के अंदर कुरान अजीम की बेहरमती हुई है, कुरान अजीम को जलाया गया है, कुरान अजीम को नज़र आतिश किया गया है, तब से रज़ा अकेडमी और रज़ा अकेडमी के बानी मुहाफिज़ नामोस रिसालत कायदे मिल्लत असीर मुफ्ती आज़म हिंद हज़रत अलहाज सईद नूरी साहिब क़िबला ने एक बहुत बड़ा मोर्चा खोल रखा है। माशाल्लाह, रज़ा अकेडमी पूरी शान और शौकत के साथ स्वीडन के ख़िलाफ़ मैदान अमल में उतर चुकी है। और दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि आने वाला जो जुमा है यानी 7 जुलाई को, तो स्वीडन में जो कुरान सोजी हुई है उसके ख़िलाफ़ आलमी योम कुरान मनाया जाएगा। और कब मनाया जाएगा? शहादत जामेउल कुरान अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मौके पर। ये कब है ये भी आप जान लें, 18 ज़िलहिज्जा 1444 हिजरी मुअर्रिखा 7 जुलाई सन 2023 बरोज़ जुमा को आलमी तौर पर जो है योम कुरान मनाया जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो मुफ्ती आज़म हालैंड हैं, उन्होंने जो बयान दिया है वो भी आपके सामने रखता हूं, इसको समाप्त करें। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया सय्यिदिल मुरसलीन सय्यिदना مولانا محمد وعليه وصحبه اجمعين اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه لعلكم تغلبون। حضرات, قران مجید فرقان حمید وہ کتاب ربانی ہے کہ رہتی دنیا تک انسانیت کے لیے اس میں نور, ہدایت اور امن و شانتی کا پیغام ہے। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबे किराम ने और सलफ़े सालेहीन ने, उलमाए इस्लाम ने, मुहद्दिसीन और अलिया एदाम ने इसी नूरे मुबीन किताब हिदायत से चार दागे आलम में अमन व अमान और पूरी दुनिया में चैन व सुकून का पैगाम पहुंचाया और दुनिया को सुकून के साथ रहने के लिए तलकीन फरमाई। ये इंसानियत के लिए और दुनिया के लिए बड़ी ही बदकिस्मती है कि इधर कई दहाइयों से इसी किताब हिदायत पर नहायत ही रकीक और गुस्ताखाना हमले किए जा रहे हैं, और इस सिलसिले में यूरोप के बाज़ ममालिक तो बड़े ही जरी हुए और स्वीडन के हालिया कुरान आतशी के वाक़े ने न सिर्फ ये इंसानियत को बल्कि पूरी दुनिया को हिला करके रख दिया है कि जिस तरह से कुरान मजीद फुरक़ान हमीद के साथ गुस्ताखी की गई है कि इस कुरान पाक में तमाम अंबियाए किराम की हिदायत, तमाम किताब, तमाम सुहफ़ का खुलासा और वो तालीमात मौजूद हैं, लेकिन मजहबी दुनिया भी इस पे खामोश है। इस मौके पर मोइनुल मशायख हजरत अल्लामा मौलाना सैयद मोइनुद्दीन अहमद अशरफुल कादरी, अशरफ अल जिलानी दामज़िनुल आली और रिजा एकेडमी के बानी मुहाफिज़ ख़त्म नबूवत वो मुहाफिज़ नामूस रिसालत अलहाज सईद नूरी साहब ने आने वाले जुमे मुबारक 7 जुलाई जुमे मुबारक को योम कुरान मनाने का ऐलान किया है। मैं तमाम इस्लामियान हिंद से मुखलसाना गुजारिश करूँगा कि माहौल में और पुरआशोब हालात में हजरत मोइनुल मशायख और हजरत अलहाज सईद नूरी साहब की आवाज़ पे लब्बैक करके, मुत्तहिद होकर के कुरान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उसकी अजमत के लिए इकट्ठा हूँ और पूरे मुल्क में एक साथ योम कुरान की महफिलें इनेकाद करके इस बात का पूरी दुनिया को पैगाम दें कि कल भी कुरान की अजमत मुसलमानों के दिलों में बाकी थी और आज भी कुरान की अजमत मुसलमानों के दिलों में बाकी है। दरी असना फ़खरुल अमासिर मुफक्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना क़मरुज़्ज़मा साहब क़िबला आज़मी दामा ज़िल्लहु ने भी तमाम इस्लामियान हिंद को, तमाम मुसलमानों से अपील की है
کہ وہ یوم قرآن کے موقع پر اپنی یکجہتی اور اتحاد کا ثبوت کریں. رب تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو.